हेलो गाइस, आज मेरे पास है जुपिटर 125 सीसी का इंजन, जो कि इसमें रिंग फिटिंग करके आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह कंपनी बताती रिंग किस तरह फिटिंग करना है। फिटिंग करने से पहले आपको सिलेंडर किट में क्या क्या चेक करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर BS6 का जुपिटर का इंजन है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर पिस्टन है, पिस्टन जो है हमारे यहाँ पर रिंग को हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टॉप बर्न रिंग लेंगे, ठीक है। रिंग टॉप बर्न लेने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर ये हमारा पिस्टन क्रॉस होना चाहिए। यहाँ पर आपको पहले एक अच्छी तरह से चीज़ दिखा दूं, इस तरह का क्रॉस बोरिंग होना चाहिए, जो कि इसमें मैंने 25 नंबर का पिस्टन यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे इसमें पहली बार इंजन हो रहा है इसका, क्योंकि इसका इंजन वीडियो देखना चाहते हो किस तरह का इंजन क्यों खुला, ठीक है। तो वहाँ से आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो किस वजह से इसका इंजन खुला, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो टॉप बर्न आपको रिंग लेनी है, ले लिए। उसके बाद आपको करना है इसमें सिलेंडर किट में आपको डालनी है, या ब्लॉक किट बोल सकते हो, पिस्टन किट बोल सकते हो। उसके बाद उसके ऊपर से पिस्टन डालना है, डालने के बाद आपको इसमें गैप चेक करना है, जो कि अगर आपके पास कोई भी इंजन फिटिंग कर रहे हो तो आपको ये ज़रूरी चेक करना होता है गैप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गैप हमारा थोड़ा गैप है, हल्का सा, ठीक है। इतना नॉर्मल आपका गैप होना चाहिए। उसके बाद टॉप टू हमें रिंग लेना है, उसको हमें इसमें डाल के चेक करनी है कि किस तरह गैप है, दोनों का सेम होना चाहिए गैप, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ इसका भी गैप, आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका गैप भी हमारा सेम है, ज़्यादा गैप नहीं, इतना गैप आपका नॉर्मल है, इतना गैप आपका होना चाहिए, जो कि आपके खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम फिटिंग करेंगे, इसके बाद रिंग किस तरह फिटिंग करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे लॉक, लॉक आपको इसमें दो देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो भी भाई काम सीख रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखें, आप हाफ रिंग किस तरह फिटिंग करते हो वो आप कर सकते हो। इस तरह का लॉक मिलेगा, लॉक को आपको अच्छी तरह से रखना है इस तरह से, ठीक है। और एक आपको ब्रेक पिचकस आपको लेना है, इस तरह रखने के बाद आपको क्या करना है, पिचकस की मदद से आपको अंदर प्रेस करना है, जिससे कि आपका ये आराम से लॉक बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिटिंग हो जाएगा। फिटिंग के बाद आपको यहाँ पर ऑयल रिंग लेनी है, जो कि आपको बता दूँ कंपनी क्या कहती है, इस रिंग को आपको W करा के फिटिंग करना है, ठीक है। शायद मैं शर्ट में आपको PDF फाइल में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको W लगा के फिटिंग करना है, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, इसको MB लगा के फिटिंग कर सकते हो, W लगा के फिट कर सकते हो। यहाँ पर इसका मुँह ऊपर हो जाए और नीचे हो जाए, ठीक है, कहीं से भी इसको फिटिंग कर सकते हो। तो इसमें पिस्टन में मैं W लगा कर फिटिंग करूँगा, ठीक है। वैसे मैं M लगा के फिटिंग करता हूँ, लेकिन कंपनी कहती है कि W लगा के फिटिंग करना है। तो यहाँ पर आप देखो इस तरह का W आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा लॉक है, इसका लॉक का मुंह आप कहीं पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी रिंग, ऑल रिंग, ठीक है। टी रिंग आपको इसमें देखने को मिलेंगी नीचे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रिंग है, रिंग को आपको लेना है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, इस साइड आपको एक रिंग लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिंग लगानी है इसके नीचे, ठीक है। इस तरह से आपकी रिंग बैठ जाएगी। रिंग बैठने के बाद आपका मुंह यहाँ पर रहेगा, एक दूसरा इसके सामने रहेगा, इस तरह से यहाँ पर रहेगा दूसरा रिंग, ठीक है। ऑल रिंग, ऑल रिंग रहने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की दूसरी रिंग आपको सेम देखने को मिलेगी, इस तरह से आपको फिटिंग कर लेनी है यहाँ पर इस तरह से आपकी फिटिंग हो जाएगी। रिंग फिटिंग होने के बाद आपको इसका जो अच्छी तरह से इसको फ्री कर लेना है, क्योंकि रिंग ज़रूरी होता है फिटिंग करने के बाद। इस रिंग को फ्री करना, अंदर घुमाकर चेक करना, एक रिंग का यहाँ पर कट हमारा आया, दूसरा कट इसके दूसरे सेट रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। इस तरह रखेंगे, उसके बाद लेंगे हम टॉप टू लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो रिंग पर आपको लिखा मिलेगा टॉप टू, ठीक है। इसको आपको दूसरी साइड रखना है, यहाँ पर उसके साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरी रिंग हमारी दूसरी साइड रहेगी, और यहाँ पर हमारी रहेगी टॉप बन, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ पासा हमें ऊपर रखना होगा, जो कि रिंग हमने यहाँ पर फिटिंग किया, दूसरा रिंग इसके साइड में फिटिंग होगा,
इस तरह से फिटिंग होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ हमारी रिंग कहाँ कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर पिस्टन की, तो पिस्टन में आपको क्या करना होगा, एक रिंग हमारी यहाँ पर रहेगी, देख सकते हो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, दूसरी हमारी यहाँ पर है, तीसरी हमारी यहाँ पर। तो आपको सिर्फ ए बनाना है, इसमें क्रॉस का निशान बनाना है, होल्ड रिंग यहाँ है, ठीक है। क्रॉस का निशान बनाने के बाद आप जो होल्ड रिंग है आप कहीं पर रख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको इसमें क्रॉस का निशान बनाना है, जिस तरह से आप रिंग फिटिंग कर सकते हो।